पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात बेकाबू। पंजाब में भी हाहाकार। कई जगह पर अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट। हथनीकुंड बैराज से पहुंचे पानी ने बढ़ाई दिल्ली की मुसीबत। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में भरा पानी। गृहमंत्री अमित शाह ने अमेरिका के राजदूत से की मुलाकात। आतंकवाद का मुकाबला करने वाले, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और सुरक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर की चर्चा। एमपी में विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी बीजेपी। अमित शाह की बैठक में हुआ फैसला। एक सूत्र रणनीति के साथ हम आगामी समय में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के विजय के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हिंसा की जांच के लिए बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज करेगा दौरा। रविशंकर प्रसाद समेत चार नेता सुबह 11 बजे पहुंचेंगे कोलकाता। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% टैक्स को मंजूरी। सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का किया गया ऐलान। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मिली मंजूरी। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। गलत दिशा से आ रही स्कूल बस से कार की टक्कर। कार में सवार 6 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राव जमीनी कोर्ट में आज सुनवाई। 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को पाने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां उन ड्रमों की लूट मच गई। कई लोग उन ड्रमों को पाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में कूद गए। इसके बाद वो लोग तैर कर उन ड्रमों के पास पहुँच गए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। और इस बीच उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें अटक गई। बारिश की वजह से